बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, इमारत इस्लामी के वज़ारत दिफा के इंस्पेक्टर जनरल लतीफुल्ला हकीमी का कहना है कि इमारत इस्लामी की फ़ौज में अब तकरीबन 1,70,000 अहलकार मौजूद है, जिनको जदीद दौर के हर किस्म की फ़ौज के साथ मुवाजना दिया जा सकता है। सुबह हर रात में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये तमाम फौज अब वर्दियों से लैस है और सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के फ्रेमवर्क में 1,70,000 फौजी है जो मुनज़्ज़िम, मरबूत और यकसा फौजी है। उनका कहना था कि साबिका मुजाहिदीन को मौजूदा फौज में दोबारा भर्ती करने और वजारत दिफा में रजिस्टर अफसरान और जवानों के पेंशन अदा करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस्लामी निज़ाम अफगानों से मुखालिफत की तलाश में नहीं है, ये मुआहिदे की तलाश में है और आम मुआफ़ी का पैगाम अभी बंद नहीं हुआ, बल्कि मुआफ़ी का पैगाम अब भी खुला है। जो भी अपने मुल्क वापस आए, इमारत इस्लामी अफगानिस्तान उसे गले लगाएगी। इसी तरह इमारत इस्लामी के नायब वज़ीर ख़ारजा शेर मोहम्मद अब्बास तनकज़ई का कहना है कि अमरीका की तरफ से अफगानिस्तान की फिजाई हदूद में ड्रोन्स का मुसलसल परवास करना अफगानिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी है। शेर मोहम्मद अब्बास तनकज़ई का कहना था कि इमारत इस्लामी के हुकाम ने अमरीकी वफूद के साथ बातचीत में ये मसला उठाया और अफगानिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी रोकने का मुतालबा किया। उन्होंने मजीद कहा कि दोहा मुआहिदे में अपने तमाम अफवाज के इनखिला के बाद अमरीका अफगानिस्तान की नई इस्लामी हुकूमत के साथ बेहतर ताल्लुकात रखेगा और अफगानिस्तान के तामीरनों में फ़ाल किरदार अदा करेगा और इस सिमत में दीगर ममालिक की हौसला अफजाई करेगा और यकीनी तौर पर अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। उन्होंने अफगान ख्वातीन और लड़कियों को यकीन दिलाया कि उनके लिए तालीम का अमल खोल दिया जाएगा और इमारत इस्लामिया उनकी तालीम और तालीमी हकूक़ की फराहमी के लिए पुरअज़म है। उनके मुताबिक हालात बराबर होने पर स्कूल और यूनिवर्सिटी लड़कियों के लिए खोल दी जाएगी। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म मौलवी अब्दुस्सलाम हनफी ने काबुल में चीन के सफीर से मुलाकात करते हुए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अफगानिस्तान की शिरकत की दरख्वास्त की। अब्दुस्सलाम हनफी ने कहा कि वो इस मनसूबे से मुख्तलिफ राहदारियों के जरिए अफगानिस्तान को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वजारत इक्तिसादियात ने कहा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबे से अफगानिस्तान का राबता अफगानिस्तान की इक्तिसादी तरक्की के लिए फ़ायदेमंद है। बेल्ट एंड रोड में अफगानिस्तान की शमूलियत अफगानिस्तान की मईशत, इलाकाई और आलमी मईशतों में जम हो जाएगी, तिजारत और अफगानिस्तान की तरक्की को फ़रोग मिलेगा और साथ ही अफगानिस्तान की जियो इकनॉमिक ट्रांजिट पोजिशन को फ़रोग मिलेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट का ख्याल है कि अफगानिस्तान को सिल्क फाद या बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव इस मंसूबे से जोड़ने के खित्ते के ममालिक के साथ अफगानिस्तान की तिजारत में इजाफा हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी चीन के साथ साथ और न सिर्फ चीन के साथ बल्कि ताइवान, थाईलैंड, कोरिया और इन ममालिक के साथ हम समंदर के जरिए तिजारत करते हैं और ये कारोबार की तरक्की के लिए बहुत मुतासिर कुन है। बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव या नया सिल्क फाद चीन के सदर ने पेश किया था और हज़ारों किलोमीटर सड़कों, रेलवे, आबी गुजरगाहों और फिजाई रास्तों की तामीर के लिए $1,300 बिलियन लागत का मंसूबा है। नाज़रीन, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।